दोस्तों संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में हुई किंग खान शाहरुख खान की एंट्री। जी हां, संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चा में है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हमें साथ में नजर आएंगे, जो भंसाली की खास लव स्टोरी फिल्मों में से एक होने वाली है। वही अब एक रोमांचक अपडेट सामने आया है जिसने एक्साइटमेंट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि शाहरुख खान की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में एक धमाकेदार कैमियो कर सकते हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के सूत्रों से पता चला है कि शाहरुख खान ने हाल ही में भंसाली के साथ एक गुप्त बैठक की थी जिसमें खास सीक्वेंस पर चर्चा की गई थी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो शाहरुख खान जनवरी 2025 में अपने हिस्से की शूटिंग करेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी भूमिका फिल्म के दूसरे भाग में दिखाई देगी। रणबीर कपूर ने सबसे पहले फिल्म की शूटिंग शुरू की, उसके बाद आलिया भट्ट और विकी कौशल भी इसमें शामिल हो गए। फिल्म का निर्माण जोरों पर है और भंसाली से अच्छी बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख खान को इसमें शामिल करने से इसका आकर्षण और बढ़ गया है। भंसाली की प्रभावशाली बड़े से बड़े पलों को बनाने की आदत को देखते हुए यह कैमियो महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रशंसक उम्मीद कर सकते हैं कि शाहरुख खान पहले से ही स्टार से सजे प्रोजेक्ट में अपना खास करिश्मा दिखाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान रणबीर कपूर की फिल्म में नजर आए हैं। वो ये दिल है मुश्किल ताहिर के रूप में नजर आए, जहां उनके किरदार ने रणबीर कपूर की प्रेम कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ी। वही शाहरुख खान रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र में मोहन भार्गव के रूप में नजर आए, जिनकी संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति काल्पनिक महाकाव्य में अलग ही नजर आई। वैसे दोस्तों आप कितने एक्साइटेड लव एंड वॉर में शाहरुख खान के कैमियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ड फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।